किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसके दो पहलू हैं, एक आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कितने टेस्ट लगाते हैं, कितने घंटे देते हैं, ठीक। दूसरा है एग्जाम में कि आप मेंटली क्या सोचते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं कि आपका मन नहीं कर रहा है उठने का पर फिर भी आप उठते हैं। वो चीज़ है आपका मेंटल करेज और उसको आपको बिल्ड करना बेहद बेहद ज़रूरी है। मैं कहूँगी 60% ये मेंटल करेज है और ये 40% जो पढ़ाई है। तो उस मेंटल करेज को बिल्ड करने के लिए दो एम हैं। एक है माइंडसेट, कैसा आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। देखिए एक बात होती है, जैसे आप खड़े हैं वहाँ पर, चलिए आपको नहीं कह रही, जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, अब तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो ये क्या है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हैं। हमें करना यह है कि हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, हमें उसको बताना है कि नहीं, आज अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये इतना ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं करके रहूँ। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जब तक हम अपने माइंड को, अपने हार्ट को नहीं एक जगह फोकस कर सकते, कर पाएंगे, तब तक हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने आप को ज़रूर बताते रहिए। और जो दूसरा एम की मैं बात करती हूँ वो है मोटिवेशन। तो कई बार ऐसा सब ऐसा पूछते थे, मैं भी जब पढ़ रही थी तो इंटरनेट पे ऐसे यूट्यूब पे सर्च करती थी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो लेकिन वो चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि बाहर का कोई इंसान मुझे नहीं बता सकता कि हाउ विल आई स्टे मोटिवेटेड। तो फिर थोड़ा अंदर मुझे झांकना पड़ा और तब मुझे समझ आया कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ। तो फिर जब आपको मन करे ना कि आज तो हो गया, आज बहुत पढ़ाई करी, तब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है जिसने मुझे पुश किया कि मैं ये करियर चुनूँ, ऐसा क्यों है कि मैं SSB की एग्ज़ाम के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, वाई इज़ इट। अगर आपका वाई तगड़ा है ना तो आप पूरी जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे। इसलिए अपने वाई को, वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन द सिविल सर्विस, वाई डू यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट स्टार्ट कि अगर करूँगा तो यू नो अच्छा वो मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी। अगर आप प्रेस्टीज को सोच कर अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा दिनों तक वो आपको मोटिवेट नहीं रख पाएगा। मोटिवेशन आपको कहीं ऐसे ऐसी जगह से आना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी बच्चे को देख रहे हो, किसी दुकान पर काम करते हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो बच्चा अभी स्कूल में होना चाहिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से, क्या हम किसी ऐसे पोजिशन पर पहुँच सकते हैं कि उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर स्कूल में भर्ती करा दें। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए। जिस दिन आप सोसाइटी से जुड़ने लगेंगे और समझने लगेंगे कि कुछ और लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, हम बहुत लकी हैं और हम उनकी मदद कैसे करें, तो फिर बहुत जर्नी जो है ना आसान हो जाती है।